हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारी देखिए दोस्तों प्रश्नावली ना 3.2 चल रही थी, ठीक है, जिसमें हमने एक से लेकर 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रश्नावली 3.2 है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन ना 4 से 5 मार्क्स का होगा। इसलिए दोस्तों ये प्रश्नावली ना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आज की वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। दिखाते हैं मैं आपको, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे ऊपर के जितने भी क्वेश्चन हैं, पहले के जितने क्वेश्चन हैं, उनको मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ना क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ना क्वेश्चन 4 को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ें, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, ठीक है। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, हमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन 4 में ये देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा युग्म संगत है, ठीक है, या असंगत है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यदि संगत निकल भी आता है, ठीक है, जब हम चेक करेंगे तो कोई ना कोई युग्म तो संगत निकल ही आएगा, ठीक है। अगर वो संगत निकल के आता है ना, तो उसे ना हमें ग्राफीय विधि से उसके हल ज्ञात करने हैं दोस्तों, यानी कि हमें ना एक्स और वाई के मान निकालने हैं, वो भी ग्राफीय विधि से सॉल्व करके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं संगत और असंगत क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने ना ऊपर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें मैंने ना अच्छी तरह से बताया था कि संगत और असंगत युग्म कब होते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा और अच्छे से बताऊंगा कि संगत युग्म और असंगत युग्म कब होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों ये एक ना टेबल है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताई और आज भी बताऊंगा ये टेबल, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है टेबल, ठीक है। टेबल तो छोटी सी है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार ना टेबल को समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कब हमारे युग्म संगत या असंगत होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों लिखा है, जब हमारा रेशो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो प्रत्यच्छेदी बनेगा, ठीक है। और जो हमारा युग्म होगा ना वो संगत युग्म होगा, ठीक है, संगत युग्म होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब हमारा रेशो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, ठीक है, ये हमारा केस फर्स्ट में बनेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों केस सेकंड में क्या होगा, जब हमारा रेशो A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 और ये भी बराबर आ जाए C1/C2, तब जो हमारा ग्राफ बनेगा संपाति बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, संपाति में देखिए दोस्तों एक लाइन बनती है, ठीक है, और दूसरी लाइन ना जस्ट उसके ऊपर ही बन जाती है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा केस संपाति वाला होता है ना, उस केस में भी हमारा जो युग्म होगा वो संगत युग्म होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो हमारा केस थर्ड है ना, केस तीसरा है, इसमें देखिए दोस्तों जो हमारा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के, ठीक है। तो इसमें जो हमारा केस बनेगा, जो हमारा ग्राफ बनता है, वो हमारा बनेगा समांतर वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। और जो हमारा समांतर वाला ग्राफ बनता है, उसमें जो हमारे रैखिक युग्म होते हैं ना, वो असंगत होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें A1/B1/C1 और A2/B2/C2 क्या है, ये ना दोनों रैखिक समीकरण में ना एक्स और वाई के गुणांक है। ये मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ना 4 का क्वेश्चन 1 उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन 4 का फर्स्ट ऑप्शन नोट कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें बताना है कि ये संगत युग्म होगा या असंगत युग्म होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अनुपात की तुलना करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके अनुपात की तुलना करने के लिए हमें ना A1/B1/C1 A2/B2/C2 निकालना है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों हमें ना समीकरण 1 से तो हमें A1, ठीक है, A1 मिलेगा, B1 मिलेगा और C1 मिलेगा, ठीक है। अब ये मिलेगा कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये ना समीकरण 1 से मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है ना, वो हमारा A1 होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, A1 होता है x का गुणांक, ठीक है, A1 होता है x का गुणांक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम ना 1 मान लेंगे, ठीक है। x के गुणांक में जब कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई x में करें तो वापस x ही तो आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का गुणांक होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें a1 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, ठीक है, 1 मिल गई। इसी तरह से जो हमारा y का गुणांक होता है ना, वो होता है हमारा b1, ठीक है। तो
तो हमें देखिए दोस्तों यहाँ से ना बी वन मिल जाएगा, बी वन भी हमें ना वन मिल जाएगा, ठीक है वन मिल जाएगा बी वन, ठीक है क्योंकि यहाँ पर वाई के गुणांक में कुछ भी नहीं है, जब हमारा कुछ भी नहीं होता है तो हम वन मानते हैं, ठीक है तो हमें यहाँ से बी वन वन मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों सी वन, सी वन हमें यहाँ से मिल जाएगा सी वन, ठीक है ये पाँच मिल जाएगा सी वन, ठीक है तो हम यहाँ से पाँच उठा लेते हैं सी वन पाँच। अब देखिए दोस्तों हमने ना समीकरण वन से ए वन बी वन सी वन निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे ऐसे ही हम समीकरण दो से ए टू निकालेंगे, ठीक है वी टू निकालेंगे और सी टू निकालेंगे, ठीक है ऐसे ही इसमें देखिए दोस्तों ए टू क्या होगा, ए टू हमें एक्स का गुणांक होगा, ठीक है ए टू क्या होगा, ए टू होगा एक्स का गुणांक, ठीक है दूसरे वाले समीकरण में तो ए टू की वैल्यू दो, ठीक है यहाँ से हम निकाल लेंगे दो। इसी तरह से V2 की वैल्यू, V2 क्या होगा, V2 होगा Y का गुणांक, ठीक है V2 Y का गुणांक, Y के गुणांक में क्या है दो है, ठीक है तो यहाँ से हमें V2 दो मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों C2, C2 यहाँ से मिल जाएगा 10, ठीक है C2 की वैल्यू 10। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी तुलना करनी है, कैसे करेंगे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे ए वन अपॉन, ठीक है ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर होगा सी वन अपॉन सी टू के, ठीक है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे सभी को हम बराबर रख देंगे, ठीक है फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा रेशो बराबर है, ठीक है जो रेशो बराबर आ जाएगा उसको हम बराबर कर देंगे, जो हमारा रेशो बराबर नहीं आएगा उसको हम बराबर नहीं करेंगे, ठीक है फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि इसमें कौन सा वाला केस बन रहा है, ठीक है तो चलिए दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे ए वन अपॉन ए टू करेंगे, ठीक है तो यहाँ से देखिए दोस्तों ए वन का मान वन ए टू का मान टू, ठीक है यहाँ से देखिए दोस्तों वन बाई टू निकल के आएगा, ठीक है अब यहाँ से देखिए बी वन अपॉन बी टू करेंगे तो वन बाई टू निकल के आएगा यहाँ से भी, ठीक है वन बाई टू। अब देखिए दोस्तों यहाँ से सी वन अपॉन सी टू करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों पाँच अपॉन दस आएगा, ठीक है पाँच अपॉन दस, अगर हम क्या करें इसको हम पाँच से डिवाइड कर देंगे, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, तो ये भी वन बाई दो आ जाएगा, ठीक है यहाँ से हम वन बाई दो कंक्लूजन निकाल लेंगे, जो हमारा देखिए दोस्तों तीनों रेशो आपस में बराबर मिल चुके हैं, ठीक है जब हमारे तीनों रेशो बराबर मिल चुके हैं ये केस बनता है संपाती वाला केस, ठीक है संपाती वाला केस, जब हमारा संपाती वाला केस बनेगा तो इसके जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे वो संगत होंगे, ठीक है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है यहाँ पर आप ना टेबल में देखिए जब हमारे तीनों रेशो बराबर आ जाते हैं, ठीक है ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू, जब ये तीनों रेशो बराबर आ जाते हैं ना तब संपाती वाला केस बनता है, ठीक है और इसमें जो हमारे रैखिक युग्म होते हैं ना वो संगत होते हैं, ठीक है ये आपको समझ आ गया। अब देखिए दोस्तों जब हमारे रैखिक युग्म संगत हैं, ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे संगत, ठीक है संगत ये तो हमने लिख दिया, ठीक है संगत होगा। अब देखिए दोस्तों जब हमारा संगत होगा क्वेश्चन में लिखा था तो उसको ना ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए, यानी कि हमें ना एक्स और वाई के मान निकालने हैं ग्राफी विधि द्वारा, ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको हम ग्राफ पर प्लेस करेंगे, ठीक है फिर वहाँ से हमें एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है आसानी से निकल जाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम ना एक्स और वाई के मान निकाल लेते हैं, दो दो पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है तो इस तरह से हम क्या करेंगे एक्स और वाई के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है यहाँ पर हम लगे हाँ तो पहले हम एक्स और वाई के दो दो मान निकाल लेते हैं, ठीक है यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे समीकरण वन के लिए निकालेंगे, ठीक है तो देखिए दोस्तों अगर हम वाई और एक्स के मान निकालेंगे, ठीक है तो इसको मैं ऐसे करके लिख दूँ यहाँ पर देखिए, तो वाई को तो मैं एक तरफ रहने दूंगा, ठीक है वाई को मैं एक तरफ रहने दूंगा, ठीक है और देखिए दोस्तों जब मैं एक एक्स को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है और देखिए दोस्तों पहले से यहाँ पर पाँच है, ठीक है पहले से पाँच है, अब मैं एक्स को इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू दो डाल दूँ, ठीक है यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू दो, ठीक है एक्स की वैल्यू दो डाल देंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू दो, पाँच में से दो जाएगा तीन बचेगा, यानी कि वाई की वैल्यू तीन, ठीक है अब क्या करूँगा अगर मैं x की वैल्यू तीन डाल दूँ, ठीक है यहाँ पर मैं x की वैल्यू तीन डाल दें, ठीक है यहाँ पर चलिए तीन डाल देते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू तीन, पाँच में से तीन जाएगा दो बचेगा, यानी कि y की वैल्यू दो, ठीक है y की वैल्यू दो। ये देखिए दोस्तों हमने ना समीकरण वन के लिए x और y के मान निकाल लिए हैं, ठीक है दो दो मान बहुत हैं, ठीक है अब हम क्या करेंगे इसी तरह से हम ना दूसरे वाले समीकरण के लिए x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ऐसे ही हम दो दो मान निकाल लेंगे, ठीक है बड़ी आसानी से निकाल आएंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको ना ग्राफ पर प्लेस करेंगे, ठीक है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है, अब मैं क्या करूँ अगर मैं यहाँ पर केवल y रखूँ, ठीक है तो सारी वैल्यू को मैं इधर भेज दूँगा, ठीक है 2x को मैं इधर भेजूँगा तो 10 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है 10 माइनस 2x, ठीक है समझ आएगा अगर मैं 2x को इधर भेज दूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है माइनस के 2x और पहले से 10 यहाँ पर हैं, ठीक है अब यहाँ पर क्या बचा 2y बचा, ठीक है अगर मैं 2 यहाँ पर देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई में है, ठीक है अगर मैं 2 को इधर लेके आऊँगा तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड करती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बचा क्या यहाँ पर बचा y, ठीक है अब देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे अगर मैं x की वैल्यू एक बार ना 2 डाल दूँ, ठीक है
अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल देते हैं, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो 2 दूनी 4, 10 में से 4 जाएंगे 6 बजेंगे, ठीक है, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 होती है 6, तो मैं y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू 3। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं क्या करूँ, एक बार मैं y की वैल्यू अगर मैं 5 डाल दूँ, ठीक है, y की वैल्यू कितनी डालेंगे 5, ठीक है, सॉरी दोस्तों x की वैल्यू 5 डालेंगे, ठीक है, x की वैल्यू में 5 डाल दूंगा तो 5 दूनी 10, ठीक है, 10, और ये 10 हैं पहले से, 10 माइनस 10 जीरो, अब मैं जीरो में 2 से भाग दूंगा तो ये जीरो आएगा, ठीक है, y की वैल्यू 0, कब आई y की वैल्यू 0, जब मैंने x की वैल्यू 5 डाली तो y की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने ना x और y के लिए दो दो मान निकाल लिए हैं, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हमें समीकरण 1 के लिए मान है, ठीक है, और ये समीकरण 2 के मान है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जल्दी से ग्राफ बना लेता हूँ, ग्राफ पर इन मानों को प्लॉट कर दूंगा, दर्शा दूंगा, फिर वहां से हमें ना x और y के मान मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से मैंने एक ना ग्राफ बना दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पहली वाली समीकरण के मान को इस पर दर्शाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम ना एक्स की वैल्यू लेंगे 2, यानी कि एक्स की वैल्यू 2, ये होता है हमारा एक्स एच और ये होता है वाई एच, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, एक्स चलूँ 2, ठीक है, यहाँ से मैं एक्स चलूँ 2, ठीक है, तो यहाँ से चलते हुए 0 1 2, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, बाई की वैल्यू कितनी, देखिए दोस्तों, बाई की वैल्यू है 3, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से अगर मैं बाई चलूँ 3, ठीक है, यहाँ से चलते हुए 0 1 2 3, ठीक है, एक यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं क्या करूँ, इस वाले बिंदु को आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, और इस वाले बिंदु को आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु कट करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर ना बढ़ा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, जब मैंने इन दोनों बिंदु को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर ना इन दोनों बिंदु ने, इन दोनों रेखाएं ने यहाँ पर कट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों बिंदु का ये फाइनल बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2.3 मिलेगा, ठीक है, 2.3 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो पहली वाली वैल्यू होती है ये होती है हमारी एक्स की, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वाई की, ठीक है। तो ये वाला बिंदु हमें मिल गया 2.3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक और बिंदु है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स हम चले 2, सॉरी एक्स चले हम 3, ठीक है, एक्स चलेंगे हम 3, 0 1 2 3, ठीक है, एक चलेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वाई कितना चले, वाई चले 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाई यहाँ से चले 2, 0 1 2, ठीक है, 2। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस वाले 2 वाले बिंदु को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तो सीधी लाइन पे हम ऐसे ही मिला देंगे, ठीक है, बढ़ा देंगे आगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ाते हैं इसको, ये बिंदु कुछ यहाँ पर आगे कट करेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 3.2, ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा 3.2 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3.2 और 2.3 ये दो बिंदु मिल चुके हैं, ठीक है, फाइनल बिंदु ये मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलाते हैं, ठीक है, ऐसे अगर हम मिलाएंगे, चलिए जल्दी से मिला देते हैं, ऐसे मैं यहाँ पर मिला दूंगा, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से लाइन मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों, इस तरह से लाइन मिल गई। अब मैंने इनको मिला दिया। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों, लाइन ना पहले वाले समीकरण की है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले समीकरण को लिख दूंगा, ठीक है, एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक्स प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, वहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। ये हमने समीकरण लिख दिया है ताकि हमें पता चलता रहा है कि ये जो लाइन है इस वाले समीकरण की है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, और हमने दूसरे वाले जो समीकरण के लिए हमने मान निकाले थे एक्स और वाई के, ये वाले मान को हमने ग्राफर दर्शाएंगे, ठीक है। तो चलिए दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, एक हमें बिंदु मिला है, एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू 3, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम एक्स की वैल्यू चलें 2, ठीक है, एक्स चलें 2, 0 1 2, ठीक है, 2। और देखिए दोस्तों, वाई कितना चलें, वाई चलें 3, ठीक है, वाई चलें 0 1 2 3, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, ये वाली बिंदु आगे बढ़ा दें, ठीक है, और ये वाला 2 वाला बिंदु आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो हमें ये वाला बिंदु यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा 2.3, ठीक है, ये एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, भले ही इसके लाइन के ऊपर मिला है, ठीक है, लाइन के ऊपर मिला है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा बिंदु क्या है, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5, यहाँ से देखिए दोस्तों, एक्स चले 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर चले, और वाई, वाई हम बिल्कुल चले ही नहीं, वाई 0, वाई हम 0 रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 5.0, ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, ठीक है, तो दोनों लाइन पर बिंदु मिले हैं। अगर मैं इस दोनों बिंदु को मिला के एक लाइन खींचूं तो जस्ट इसके ऊपर ही लाइन मिलेगी, ठीक है। जब मैंने आपको बताया जो केस बनेगा इसमें ना, संपाती वाला केस बनेगा, जो संपाती वाला केस होता है उसमें एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जस्ट ऊपर बनती है, ठीक है। तो ये वाला हमें केस मिल गया संपाती। अब देखिए दोस्तों, जब संपाती वाला केस बना है ना,
जब संपाति वाला केस मिल जाता है ना, तो इसमें देखिए दोस्तों एक्स और वाई की ना अनंत हल मिलते हैं, एक्स और वाई के अनंत हल मिलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। ठीक है, ये ना दोनों लाइन एक बिंदु को अनेक बिंदु पर कट करती हुई जाती हैं, तो इसलिए हमें एक्स और वाई के अनेक हल मिलेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों इससे हम ना एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारा समीकरण है ना, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर पाँच है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर, देखिए पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर पाँच और दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको ना 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है 2 से डिवाइड कर दूँ, तो देखिए दोस्तों दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, इसको भी 2 से डिवाइड करूँगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँगा और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 2 एकम 2, 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 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई, ठीक है यहाँ से देखिए दोस्तों एक्स प्लस वाई और यहाँ पर बचा पाँच। ठीक है, तो यहाँ पर बचा पाँच, तो आपने कुछ देखा, यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों समीकरण है ना एक जैसे हैं, मान लो कि एक जैसे ही समीकरण है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक्स और वाई के अनेक हल निकलेंगे, कैसे निकले देखिए दोस्तों, अगर मैं इस वाले समीकरण को ले लूँ, ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर मैं वाई की वैल्यू निकाल लूँ, वाई बराबर एक्स को इधर भेज देंगे, पाँच माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ दोस्तों, अगर मैं एक्स की वैल्यू वन डाल दूँ, ठीक है एक्स की वैल्यू, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स की वैल्यू वन डाल देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 1, 5 में से एक जाएगा 4 मिलेगी। ठीक है, तो एक तो हल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूंगा, ठीक है x की वैल्यू 2 डाल दूंगा, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 में से 2 जाएंगे 3 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से एक हल हमारा ये हो जाएगा, ठीक है दूसरा हल हो जाएगा। और इस तरह से अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 डाल दूँ, ठीक है एक्स की वैल्यू 5 डाल देते हैं, तो वाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी, एक ये वाला हल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ना अनेक हल मिल जाएंगे, हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू डालना है और हमें वाई की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ना एक्स और वाई के अनेक हल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सवाल बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने ना क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट कर लिया है। ठीक है, चौथे का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके हम ना रेशो पहले बराबर करके देखते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा वाला किस बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे a1/a2। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा जो हमारा a1 होता है वो पहले समीकरण में x का गुणांक होता है। ठीक है, तो a1 हमारा क्या होगा 1। ठीक है, a1 होगा 1 और a2 क्या होगा, a2 हमारा x का गुणांक होगा दूसरे वाले समीकरण में, a2 होगा 3। ठीक है, इस तरह से पहले हम ना बराबर रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों b1 का मान क्या होगा, b1 का मान होगा -1। ठीक है, और b2 का मान -3। ठीक है, और देखिए दोस्तों c1 का मान 8 और c2 का मान 16 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या यहाँ से कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 8 का मान 8 दूनी 16। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/3 बराबर 1/3, ये तो बराबर है। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है, देखिए 1/2 है। ठीक है, अगर 1/3 होता तभी बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर है 1/2, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब ये बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा वाला केस बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा समांतर वाला केस बनेगा। ठीक है, समांतर वाला केस बनेगा। ठीक है, और मैं आपको ना प्रूफ भी करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो टेबल देखिए, यहाँ पर टेबल में लिखा भी है। ठीक है, जब हमारा a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आता है c1/c2 के, तो ये केस हमारा बनता है समांतर। ठीक, और इसमें जो हमारा रेखीय युग्म होता है वो असंगत होता है। ठीक है, हमारा रेखीय युग्म होगा वो हमारा असंगत होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे असंगत। ठीक है, असंगत, जब हमारा असंगत होगा तो इसको हम ना यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसे हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, जो हमारा संगत होगा, जो हमारा केस संगत होगा, उसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने ना क्वेश्चन चौथे का तीसरा ऑप्शन नोट कर लिया है। ठीक, अब हमें बताना है कि ये रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ना रेशो की तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ना सभी रेशो बराबर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a1/a2, a1 होता है हमारा x का गुणांक। ठीक है, तो 2/, ठीक है यहाँ पर देखिए 2/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2/4। ठीक है, a1 हमारा हो जाएगा x का गुणांक और a2 हो जाएगा हमारा दूसरे समीकरण में x का गुणांक। ठीक है, बराबर करेंगे। अब देखिए दोस्तों b1, ठीक है b1 होगा हमारा 1, ठीक है y का गुणांक, और b2 होगा दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक -2। ठीक है, और बराबर c1/c2 6/4। ठीक है, 6/4 दोस्तों, इसको हम ना और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसको हमें और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाए 1/2। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1/2 बराबर -1/2 बराबर 3/2। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पहले वाले रेशो, क्या ये बराबर हैं
तो देखिए दोस्तों, ये तो है प्लस का 1/2, लेकिन ये है माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। तो पहले वाले रेशो है ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा देखिए दोस्तों, पहला वाला ही केस बन गया है, ठीक है। ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं है बी वन अपॉन बी टू के, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, टेबल में लिखा है जब हमारा ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं होता है बी वन अपॉन बी टू के, तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो प्रतिच्छेदी बनता है, ठीक है, प्रतिच्छेदी। और जो इसमें रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो संगत होते हैं, ठीक है, संगत होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो इसका रैखिक समीकरण युग्म होगा वो होगा संगत, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक और बात, जब ये रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा तो हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए एक्स और वाई के मान निकालते हैं, और इसके लिए हम ना ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ना एक्स और वाई के दो दो मान निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स और वाई के दो दो बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम निकालते हैं एक्स और वाई के लिए, ठीक है। पहले हम पहले वाले समीकरण के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई को हम रख लेंगे एक तरफ, ठीक है, वाई को रख लेंगे एक तरफ, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ फेंक देंगे, ठीक है। तो 2x इधर जाएगा, तो 6 तो पहले से है, 2x इधर जाएगा माइनस के 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ना x की वैल्यू 2 डाल देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 2 डाल देंगे तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 2, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक बार हम क्या करें, अगर हम ना x की वैल्यू 3 डाल दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 डाल दें तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा 0, ठीक है। तो y की वैल्यू 0, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने x और y के पॉइंट निकाल लिए हैं, ठीक है, दो दो बिंदु निकाल लिए हैं, बहुत हैं, ठीक है। तो ये है हमारे समीकरण 1 के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए हम दो दो बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स और वाई के लिए निकालेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा समीकरण कौन सा है, ये है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसको ना 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखिए दोस्तों, समीकरण फाइनल समीकरण मिलेगा 2x, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2x, और देखिए माइनस के वाई, ठीक है, माइनस के वाई और बराबर 2 दूनी 4 यानी कि 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वाई को हम इधर लेके जाएंगे और 2 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो वाई को हम इधर लेके जाएंगे, माइनस का प्लस की वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2x है, ठीक है, 2x, अब ये 2 इधर जाएगा तो ये माइनस का 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ना x की वैल्यू अगर हम 0 डाल देते हैं, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 डाल देंगे, ठीक है, तो ये पूरा पद 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू माइनस के 2, ठीक है, माइनस के 2। अब देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करें, एक बार हम ना x की वैल्यू 2 डालते हैं, ठीक है, तो चलिए डाल के देखते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 डालेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस के 2, ठीक है। तो 4 माइनस 2 बराबर कितने आए, तो 4 माइनस 2 बराबर 2 आए, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू 2 मिल गई है, ठीक है, y की वैल्यू 2, जब हमने x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू 2, ठीक है। अब हमने देखी दोस्तों, ये हमने ना समीकरण 2 के लिए निकाले हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जल्दी से हम ना ग्राफ बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से मैंने ना ग्राफ बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर इन वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से दर्शाते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण के मान को दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ से अगर हम चलें, x कितना चले, x चले हम 2, ठीक है, यहाँ से x चले 2, ये होता है x अक्ष, ठीक है, x चले 2, 0, 1, 2, ठीक है, x चले 2 और y चले हम 2, ठीक है, 0, 1, 2, ठीक है, y चले 2, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम ना इस वाले बिंदु को आगे बढ़ाएं, ठीक है, इस वाले बिंदु को आगे बढ़ाएं और ये 2 वाले बिंदु को आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, तो हमें ना एक बिंदु मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन कट करेगी, यहाँ पर एक हमें बिंदु मिलेगा, ठीक है, ये बिंदु होगा हमारा 2.2, ठीक है, इस तरह से 2.2 एक बिंदु मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0, ठीक है, एक्स हम चले 3, ठीक है, यहाँ से चलते हुए 0, 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ से हमें चले 3, ठीक है, और y कितना चले, y 0, y हम बड़े ही नहीं, y 0 पर ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक और बिंदु मिलेगा 3.0, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिला देंगे। तो चलिए जल्दी से हम इस बिंदु को मिला देते हैं, ठीक है, जब हम मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरह से लाइन मिल जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण है इसका हम समीकरण भी लिख देंगे, ठीक है, ये पहले लाइन का समीकरण है, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, तो हम करेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, अब हम ना दूसरे वाले समीकरण के बिंदु को यहाँ पर दर्शाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ठीक है। x चले हम 0, x आगे हम बढ़े ही नहीं, ठीक है। x हम 0 पर ही रहे, और y कितना चले, y चले -2, ठीक है। तो -2 की वैल्यू इधर होंगी y की, ठीक है, 0, 1, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0, -2, ठीक है, 0, -2, ठीक है। ये होता है x की वैल्यू, ठीक है, और ये होती है वाई की वैल्यू, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे। अब देखिए दोस्तों x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ठीक है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा 2, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ना ये कॉमन बिंदु मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ना इस वाले बिंदु को मिला दें, ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलाते हैं, इस वाले बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है, और इस वाले बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए हमने मिला दिए, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों लाइन ने ना यहाँ पर कट कर दिया है, ठीक है, और इसका हम समीकरण भी लिख देंगे, जो इसका समीकरण है 4x-2y = 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 4x-2y = 4, ठीक है। तो इसका हमने समीकरण भी लिख दिया ये दूसरी लाइन का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें ना एक्स और वाई की पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दोनों लाइन ने ना यहाँ पर बिंदु पर कट गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेंगे, जो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये है एक्स अक्ष, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2, ठीक है, यहाँ पर ये 2 पर है। और यहाँ से हम वाई की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखिए वाई की तरफ देखेंगे तो वाई की वैल्यू ना यहाँ पर 2 पर कट कर रही है, ठीक है, 2 पर मिल रही है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू भी 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। जब हम ग्राफ बनाएंगे, जब ये प्रतिच्छेदी वाला केस बनेगा, यहाँ से हमें x और y की ना सिंगल मान निकलेंगे, ठीक है, ठीक है। जब ये सिंगल मान निकलते हैं तो इसे हम ना एक और नाम से जानते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये सिंगल वैल्यू निकली है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल, ठीक है, एक इसका नाम है, आप याद रखना, और वाई के सिंगल मान निकलेंगे तो इसका ना अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका ना ऑप्शन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन 4 का 4 भाग नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पता करेंगे कि ये रैखिक युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले हम ना रेशो बराबर करके देखेंगे, ठीक है, वहाँ से हम निकाल लेंगे कि इसका रैखिक युग्म संगत होगा या असंगत होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके सभी रेशो इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, बराबर रख देंगे, ठीक है। तो a1/a2 करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, ठीक है, 2/4, ठीक है, बराबर करेंगे -2/4 b1/b2 -2 और -4, ठीक है, -2/-4 बराबर -2, ठीक है, c1/c2 करेंगे, ठीक है, तो -2/-5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे किसमें कौन सा वाला किस बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको ना डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, 2 × 2, 2 × 2 = 4, ठीक है, -से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और देखिए 2 × 2, 2 × 2 = 4, ठीक है, और यहाँ से -से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा 1/2, ठीक है, 1/2 बराबर यहाँ पर भी 1/2, ठीक है, 1/2 और बराबर 2/5, ठीक है, 2/5, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन ये बराबर है 2/5 के, नहीं बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर नहीं करेंगे, ठीक है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1/2 यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा वाला केस बन रहा है, ठीक है, a1/a2 तो बराबर है हमारे b1/b2 के, ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा केस बनेगा समांतर वाला केस बनेगा, ठीक है, समांतर वाला केस बनेगा, इसका रैखिक युग्म ना असंगत होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं असंगत, ठीक है, असंगत लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों हम यहाँ पर टेबल में भी दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जब हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो हमारा रैखिक युग्म असंगत होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको असंगत कर लेंगे और इसको हम ना यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।